आज होंडा ने उनकी मोस्ट पॉपुलर सेडान होंडा सिटी में फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें कुछ एक्सटीरियर चेंजेस, थोड़े फीचर चेंजेस एंड सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं न्यू होंडा सिटी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ये देखने के लिए हम न्यू होंडा सिटी को ओल्ड होंडा सिटी से कंपेयर करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर से डायमेंशन में या फिर ओवरऑल प्रोफाइल में न्यू होंडा सिटी में कोई चेंज नहीं किए गए, बट अगर बात हो फ्रंट बम्पर की तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आपको न्यू हनीकॉम ग्रिल मिलती है एंड क्रोम को भी थिन कर दिया गया है एंड फॉग लैंप हाउसिंग भी ओल्ड सिटी के कंपेयर में न्यू में थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है। इसके सिवा फ्रंट बम्पर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, मींस आपको सेम एलईडी डीआरएल एंड सेम हेडलाइट यूनिट मिलेगा एंड साइड से न्यू होंडा सिटी में अलॉय व्हील्स की डिजाइन थोड़ी चेंज कर दी गई है, बट इसके सिवा साइड से और कोई चेंजेस नहीं किए गए एंड सिमिलरली रियर बम्पर में भी माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस ही किए गए हैं। उसके सिवा एलईडी टेल लाइट सेम ही मिलेगी जो आपको पहले मिलती थी, बट हाँ न्यू होंडा सिटी में रिफ्लेक्टर की पोजीशन चेंज की गई है। इसके सिवा एक्सटीरियर में कोई और चेंजेस नहीं किए गए, मतलब कि आपको सेम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, सेम सनरूफ एंड सेम एलईडी लाइट्स मिलेगी, बट हाँ अब न्यू होंडा सिटी में न्यू ब्लू कलर ऑप्शन मिलता है जो पहले नहीं आता था। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में तो एक्सटीरियर से भी कम चेंजेस किए गए हैं, मींस आपको ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल डैशबोर्ड मिलता है एंड ओल्ड एंड न्यू होंडा सिटी दोनों में ऑलमोस्ट सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, बट न्यू सिटी में इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में थोड़े फीचर्स ऐड किए गए हैं जो एडास में यूजफुल होंगे एंड ओल्ड एंड न्यू में सेम 8 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, बट न्यू होंडा सिटी में इस स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है जो ओल्ड में वायर्ड था एंड न्यू होंडा सिटी में वायरलेस चार्जर का फीचर भी मिलता है जो पहले नहीं आता था एंड ओल्ड एंड न्यू होंडा सिटी दोनों में आपको सेम स्टीयरिंग व्हील एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलता है, बट न्यू होंडा सिटी में आपको एडास एंड एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल्स के लिए एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं। इसके सिवा न्यू होंडा सिटी के इंटीरियर में कोई और चेंजेस नहीं किए गए हैं, मतलब कि आपको सेम लेदरेट अपहोल्स्ट्री, सेम इलेक्ट्रिक सनरूफ, सेम ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एंड सेम डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा। मींस न्यू होंडा सिटी में अब भी वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स नहीं मिलते। अब बात करते हैं इंजन की। तो इंजन वाइज भी होंडा सिटी में कोई और चेंजेस नहीं किए गए, आपको सेम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 119 bhp का पावर एंड 145 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड ये इंजन अब E20 RDE नॉर्म कंप्लायंट है, बट अब होंडा सिटी में डीजल इंजन नहीं मिलेगा, डीजल इंजन अब होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, बट हाँ आपको होंडा सिटी में EHEV वर्जन भी मिलता है जिसमें हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज अब न्यू होंडा सिटी में एडास फीचर्स मिलते हैं जो पहले सिर्फ सिटी EHEV यानी कि हाइब्रिड वर्जन के साथ ही मिलते थे, अब ये एडास फीचर्स नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाली होंडा सिटी में भी मिलते हैं, जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो हाई बीम एंड ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट जैसे कई सारे एडास फीचर्स मिलेंगे। उसके सिवा बाकी के सेफ्टी फीचर्स पहले जो मिलते थे वही मिलते हैं, यानी कि आपको 6 एयरबैग्स, TPMS, ABS, EBD एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की। तो होंडा सिटी अब 4 मेन वेरिएंट्स में मिलेंगे, SV, V, VX एंड ZX, जिसमें SV वेरिएंट न्यू बेस वेरिएंट है जो पहले नहीं मिलता था, सो अब होंडा सिटी में एक और अफोर्डेबल वेरिएंट का ऑप्शन ऐड किया गया है, बट SV वेरिएंट में आपको ओनली 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है, जहां पे बाकी सब वेरिएंट पे मैनुअल एंड CVT ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं। सो ये थे सारे चेंजेस इन न्यू होंडा सिटी फेसलिफ्ट। तो आपका क्या ओपिनियन है न्यू होंडा सिटी के बारे में, क्या इस चेंजेस के बाद होंडा सिटी के सेल्स पे कोई फर्क पड़ेगा या अब भी होंडा सिटी कंपटीशन के अगेंस्ट आउटडेटेड लग रही है? आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।